नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। वेयर हाउस अधिग्रहण के फैसले को कोर्ट ने किया निरस्त, कहा कलेक्टर का फैसला आधुनिक युग के तुगलक जैसा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई पर तल्ख टिप्पणी की है। हाई कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर बालाघाट ने लगभग आधुनिक युग के तुगलक जैसा काम किया है। जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने कलेक्टर पर 25,000 रुपए की कॉस्ट भी लगाई है। इस मामले में सुनवाई के बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बालाघाट कलेक्टर द्वारा वेयर हाउस अधिग्रहण को अनुचित करार दिया है। दरअसल हाई कोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि कलेक्टर बालाघाट ने लगभग आधुनिक युग के तुगलक जैसा काम किया और उनका यह कृत्य याद दिलाता है कि ऐतिहासिक तुगलक आज भी जिंदा है। हाईकोर्ट ने कलेक्टर पर 25,000 रुपए की कॉस्ट लगाते हुए कहा कि कॉस्ट की यह राशि याचिकाकर्ता को दी जाएगी। इस निर्देश के साथ कोर्ट ने कलेक्टर द्वारा वेयर हाउस का अधिग्रहण करने के आदेश को निरस्त कर दिया। यहां बताते चले कि बालाघाट के साईं बाबा वेयर हाउस ने कलेक्टर द्वारा वेयर हाउस अधिग्रहण करने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कलेक्टर के फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ता ने दी ये दलील। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रभांशु शुक्ला ने दलील दी कि कलेक्टर ने कानून का उल्लंघन करते हुए मनमानी तरीके से वेयर हाउस का अधिग्रहण किया है। सरकार ने 2022-23 में धान का भंडारण के लिए एक स्कीम निकाली, जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि वेयर हाउस में धान भंडारण के रखरखाव का काम PMS यानी संरक्षण रखरखाव और सुरक्षा एजेंसी करेगी। सरकार इस संबंध में वेयर हाउस और PMS एजेंसी के साथ अनुबंध करना चाह रही थी, लेकिन अनुबंध होने से पहले ही एजेंसी पीछे हट गई। इसके बाद सरकार वेयर हाउस के ऊपर दबाव डाल रही थी कि धान के रखरखाव का काम वेयर हाउस संचालक करे। कलेक्टर ने बगैर सूचना के वेयर हाउस का किया अधिग्रहण। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि धान के रखरखाव के लिए सरकार एक नया अनुबंध लेकर आई, जिसमें रखरखाव की जिम्मेदारी वेयर हाउस संचालकों के ऊपर डाली गई थी। याचिकाकर्ता ने इसका विरोध किया और कहा कि सरकार वेयर हाउस में रखे हुए धान समय पर नहीं उठाती है, जिसके कारण भारी मात्रा में सूखत आती है। इसके एवज में वेयर हाउस संचालकों से भारी भरकम वसूली की जाती है। याचिकाकर्ता ने अनुबंध करने से मना कर दिया तो दिसंबर 2022 में कलेक्टर ने बिना कोई सूचना दिए वेयर हाउस का अधिग्रहण कर लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।